हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कपिल क्लासेस फॉर इंग्लिश। लेट्स स्टार्ट द क्लास। और आज की जो हमारी क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के है, दैट इज़ कॉल्ड टेंस। टेंस को लेकर के है, इसको हम फंक्शन ऑफ टेंसेज भी बोल सकते हैं क्योंकि टेंस के फंक्शन होते हैं। तो इसीलिए जैसे हर चीज़ के फंक्शन होते हैं, इसी तरह टेंसेज के भी फंक्शन होते हैं। तो उसी को लेकर के हम इसकी बातचीत करेंगे। तो क्यों पढ़ाने जा रहा हूँ मैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है इंग्लिश का? ऐसा मानते हैं सब, जब भी आपने इंग्लिश पढ़ना शुरू किया होगा या पढ़ाना भी शुरू किया होगा तो हर कोई टेंस को प्रेफर करता है। ऐसा क्यों होता है कि हर कोई टेंस पढ़ाता है शुरू में? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टेंस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टेंस की वजह से हमें पता लग पाता है सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। और इस टेंस अगर हमारे क्लियर हैं तो इस टेंस की वजह से हम, हमारा एक टॉपिक आता है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस को हम आसान से कर सकते हैं। अगर हमें टेंस आते हैं तभी हम पैसिव वॉइस को आसानी से कर सकते हैं, वरना नहीं। कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें पैसिव वॉइस ना आता हो, कोई से भी एग्जाम ले लीजिए आप। दूसरा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिसे नरेशन बोलते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का भी अगर मैं बात करूँ तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर हमें टेंस नहीं आता तो डायरेक्ट डायरेक्ट हम नहीं कर पाएंगे। तीसरा, कंडीशनल सेंटेंस, अगर हमें टेंस नहीं आते तो कंडीशनल सेंटेंसेस को हम नहीं बना पाते। फोर्थ, नॉन फाइनाइट वर्ब, काफ़ी हद तक नॉन फाइनाइट वर्ब भी इसी से कनेक्टेड होती है। तो मैं ये कह सकता हूँ टेंस से कनेक्टेड बहुत सारे टॉपिक हैं, लगभग हर टॉपिक में टेंस का जिक्र होता है, इसलिए हम टेंस को पढ़ रहे हैं। तो टेंस की शुरुआत करते हैं हम। अगर मैं बात करूँ टेंस के बारे में तो मैं बोलूँगा इट इज़ डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स। ये थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है? आपको पता है कौन कौन से पार्ट्स होते हैं थ्री? सबसे पहला आता है प्रेजेंट, देन पास्ट, देन फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट आपको पता है जो चल रहा है, पास्ट है जो हो चुका, फ्यूचर है जो आने वाला है। नेक्स्ट मैं बोलूंगा ईच पार्ट इज डिवाइडेड इंटू फोर कैटेगरीज। ईच पार्ट इज डिवाइडेड इंटू फोर कैटेगरीज। जितने भी पार्ट्स हैं वो चार कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा इंडेफिनिट, नंबर टू आता है कंटिन्यूअस, नंबर थ्री आता है परफेक्ट, और नंबर फोर आता है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो चार कैटेगरी होती है तीनों की, तो चार बारह हो जाती हैं, चार ही इसकी तो बारह हो जाती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, इसी तरह से बारह कैटेगरी हो जाती है। तो अगर मैं कैटेगरीज की बात करूं तो जो इंडेफिनिट है और कंटिन्यूअस है, इट इज यूजुअली यूज्ड विद पॉइंट ऑफ टाइम। ये तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं हम। और जो परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इट इज़ यूजुअली यूज्ड विद टाइम एक्सप्रेशन। ये हम यूज़ करते हैं टाइम एक्सप्रेशन के साथ। अब ये पॉइंट ऑफ टाइम और टाइम एक्सप्रेशन क्या होता है, इसके लिए छोटी सी वीडियो है 5 से 6 मिनट की, वो मैं बना रखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे देख सकते हैं। ये टाइम की वीडियो है, उस पर लिखा होगा टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम, टाइम एक्सप्रेशन उसका थंबनेल होगा, आप उसे देख सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसे देख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टाइम एक्सप्रेशन, पॉइंट ऑफ टाइम का। तो सबसे पहले जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो हम शुरू करेंगे, जो कैटेगरी हम पढ़ने जा रहे हैं वो कैटेगरी हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसके बारे में बातचीत करेंगे। यूजुअली आपने इंडेफिनिट पढ़ा होगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ अगर आप अलग तरीके से पढ़ के देखेंगे तो बहुत अच्छा आपको लगेगा और चीज़ें आपको आसानी से समझ आ जाएंगी। सबसे पहला आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों में ही एक्शन गोइंग ऑन होता है। मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ दोनों एक साथ? क्योंकि दोनों के दोनों में ही एक्शन गोइंग ऑन रहता है।
देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करूँ तो इसमें भी काम चल रहा है, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करूँ तो इसमें भी काम चल रहा है। लेकिन सबसे पहले हमें समझते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को समझने से पहले टेंस सेंटेंसेस के बारे में थोड़ा सा बता दूं मैं आपको। देखिए किसी भी सेंटेंस को बनाने का एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है, जैसे किसी काम को करने का एक तरीका होता है, तो सेंटेंस को लिखने का बनाने का भी एक तरीका होता है। किसी भी सेंटेंस की बात करूँ तो सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट आता है जो टेंसेस के पार्ट आते हैं, इंपेरेटिव वगैरह होता है उनमें वर्ब आती है, वो अलग बात है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद फिर मेन वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, लास्ट में अदर वर्ड आ जाता है। तो सेंटेंस को जो टेंस के अंदर सेंटेंस हमारे बनते हैं उनको बनाने का ये तरीका होता है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आता है। मेन वर्ब जो मुख्य काम होता है उसे कहते हैं मुख्य काम। हेल्पिंग वर्ब को सहायक, हेल्पिंग सहायक क्रिया होता है, सब्जेक्ट होता है काम को करने वाला। तो हर सेंटेंस में जितने भी मैंने कैटेगरीज बताई हैं हर कैटेगरीज की हेल्पिंग वर्ब अलग होती है, और हेल्पिंग वर्ब आती है टेंस के अकॉर्डिंग और मेन वर्ब आती है टेंस और हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। यानी कि अगर यह हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है तो यहां पर आईएनजी आएगा, यहां पर हैज हैव है तो यहां पर वर्ब थर्ड फॉर्म आएगी। यानी कि हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग मेन वर्ब आती है, वो जैसे जैसे आपको बताता रहूंगा आपको समझ आएगा। तो सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, एक्शन गोइंग ऑन होता है। तो इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर इसमें इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा, और फिर जो वर्ब आएगी उसकी आईएनजी आने के बाद इसमें ऑब्जेक्ट वगैरह सब आ जाएंगे, जो ये स्ट्रक्चर मैंने बोला है। सेंटेंस एक तरीके का ये होता है। नंबर टू सेंटेंस आता है नेगेटिव, इसमें सब्जेक्ट आएगा, फिर जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो आएगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर नोट आ जाता है, फिर मेन वर्ब आती है और फिर ऑब्जेक्ट आके लास्ट में सब वो आ जाता है। यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आता है जो नेगेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। नंबर थर्ड आता है इंटरोगेटिव, इसको तो नेगेटिव बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं इंटरोगेटिव, टी ई आर आर ओ जी ए टी आई वी ए, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है और फिर अदर वर्ड आ जाते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। फोर्थ आता है, थर्ड है ये, और फोर्थ आता है डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव बोल लो या इसको क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस बोल लेते हैं, इसमें कुछ नहीं करना, केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब से पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, यानी कि व्हाट, व्हेन, वेयर ही आ जाते हैं। तो ये चार तरह के सेंटेंस होते हैं जो यूजुअली टेंस के अंदर हम बनाते हैं। तो बस पॉजिटिव ये आ गया, इसको पॉजिटिव बोलते हैं, अफर्मेटिव बोलते हैं, पहले वाला पॉजिटिव होता है, दूसरे वाला नेगेटिव, तीसरे वाला इंटरोगेटिव, फोर्थ वाला जो होता है वो डबल इंटरोगेटिव होता है। तो नोट लगाना है तो यहां आ जाएगा, इज एम आर पहले आ जाएगा इंटरोगेटिव में, इस तरीके से। जैसे मैं सेंटेंस लिख सकता हूं लाइक इट इज रेनिंग, बारिश पड़ रही है, इट इज रेनिंग। मैं लिख सकता हूं मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। तो सिंपल हो गया, क्या कर रहे हो आप, तो हम बोल सकते हैं व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो आप। कभी कभी सेंटेंस में बहुत कन्फ्यूजन होता है कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का पता हमें कैसे लगे, कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या होता है। कुछ लोग यू को ऑब्जेक्ट मानते हैं, कुछ लोग इंग्लिश को मानते हैं। और अगर एक सेंटेंस में लिख दूं आई एम टीचिंग यू इंग्लिश एट दिस टाइम इन द रूम, इस रूम में मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं इस टाइम, तो अगर मैं पूछता हूं बच्चों से कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या होता है, चलो ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब हो गया। अब कुछ लोग तो इसे ऑब्जेक्ट बता देते हैं, कुछ इसे ऑब्जेक्ट बता देते हैं, कुछ इन्हें ऑब्जेक्ट बता देते हैं। हो सकता है कुछ बच्चों को पता हो, लेकिन बहुत स्टूडेंट्स ऐसे कंफ्यूज होते हैं इसमें कि उन्हें ये नहीं पता था सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट के लिए छोटी सी क्लास मैंने फिर से बनाई हुई है उसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं कि हाउ टू जज द ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में हम ऑब्जेक्ट को किस तरह जज करते हैं। बड़ा छोटा सा टॉपिक है, बहुत आसानी से आपको समझ पाएंगे। फिलहाल तो इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है, ये अदर वर्ड्स में आ जाते हैं सब। तो ये इंटरोगेटिव हो गया, जैसे व्हाई आर यू ईटिंग दिस, आप इसे क्यों खा रहे हैं, व्हाई आर यू ईटिंग दिस, तो सिंपल हो गया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो डबल इंटरोगेटिव वाला हो गया। क्या आप जा रहे हैं, आर यू गोइंग, इस तरीके से आप बोल सकते हैं।
तो सिंपल हो जाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। शायद प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अब हम बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ। अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करूं तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद इसमें हैज़ आएगा या हैव आएगा, फिर बीन आएगा, फिर वर्ब में आईएनजी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर सिंस या फोर आएगा और फिर टाइम आएगा जो टाइम दिया हुआ। तो जो सिंस और फोर के बाद दिया हुआ टाइम है इसे ही हम बोलते हैं टाइम एक्सप्रेशन। बाकी वो वीडियो जरूर देख लीजिए आप, तभी आपको समझ आ जाएगा। तो जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसको रोक के वो वीडियो अगर आप देख लेंगे सिंस और फोर की, तो ये चीज़ें बहुत आसानी से आपको क्लियर हो जाएंगी। उसे ज़रूर देखें, क्योंकि अगर मैं यहाँ बताऊँगा तो लगभग 10 मिनट का टाइम लगेगा ऑब्जेक्ट को जानने में, 10 मिनट आपके वेस्ट ही चले जाएंगे। उसकी वीडियो बना रखी है, वो आप देख लेना ज़रूर। तो चाहे तो यहाँ पर इसे रोक के वो वीडियो पहले देख लें, इसको फिर बाद में देखना आप। तो ये होता है टाइम एक्सप्रेशन। लास्ट में अदर वर्ड, कभी कभी अदर वर्ड पहले भी आ जाता है टाइम एक्सप्रेशन के, बाद में भी आ सकता है। तो अगर यही सेंटेंस है इट इज़ रेनिंग में बोलूं बारिश पड़ रही है, और अगर इसे ही बोल दूं इट इज़ रेनिंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि सुबह से बारिश पड़ रही है, फिर भी टाइम एक्सप्रेशन की थोड़ी सी डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। इसकी क्या है, एक्शन कंटिन्यू विद टाइम। इसमें क्या होता है, एक्शन कंटिन्यू विद टाइम, जो एक्शन है वो टाइम के साथ चल रहा होगा, ठीक है, एंड टाइम स्टार्ट्स फ्रॉम पास्ट, और जो टाइम है वो पास्ट से शुरू हुआ होगा। टाइम स्टार्ट्स फ्रॉम पास्ट, और जो टाइम है वो पास्ट से शुरू हुआ होगा। बस ये इसकी डेफिनेशन फिलहाल यहां समझने के लिए इतना समझ लो आप। सो इट्स रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश पड़ रही है, यानी कि सुबह पड़ रही, सुबह से पड़ रही है और अभी पड़ रही है। तो सिंस मॉर्निंग आ गया, यानी कि टाइम एक्सप्रेशन आ गया। तो अब हम इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं बनाएंगे, अब हम इसे बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इट इज की जगह हम इसे यूज करेंगे इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। यानी कि आप एक बात हमेशा याद रखें, अगर किसी भी, मैं बोल सकता हूं, इन्हें मिटा सकता हूं मैं, अगर किसी भी एक बात का आप ध्यान रखेंगे, अगर किसी भी कंटिन्यूअस टेंस के साथ आपको टाइम एक्सप्रेशन दे दिया जाए, यानी कि सिंस और फोर के बाद टाइम दे दिया जाए, तो चेंज इनटू परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि उसको हम परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। जैसे आई एम टीचिंग यू, मैं आपको बोल सकता हूं आई एम टीचिंग यू फॉर 2 आवर्स, मैं आपको 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं। तो फॉर 2 आवर्स क्या हो गया, फॉर 2 आवर्स हो गया टाइम एक्सप्रेशन, और टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो आई एम की जगह क्या करेंगे, इसको हम यूज करेंगे आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप वो वीडियो जैसे देख लेंगे टाइम एक्सप्रेशन की, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएंगी। और मैंने कंटिन्यूअस बोला है, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, किसी भी कंटिन्यूअस के साथ अगर टाइम एक्सप्रेशन दिया है तो उसे परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। अगर ये पास्ट परफेक्ट में दिया होता तो इस तरह चेंज करते हैं। अब थोड़ा सा देख लीजिए, वैसे तो आपको पता होगा लेकिन फिर भी देख लीजिए। एक होता है सिंगुलर, यानी कि एक वचन, और एक होता है प्लूरल, यानी कि बहुवचन। तो सिंगुलर के साथ तो हम इस तरफ तो यूज करेंगे इज, और इधर यूज करेंगे हैज बीन, और प्लूरल के साथ इधर यूज करेंगे आर, और इधर यूज करेंगे हैव बीन, और आई के साथ इधर तो एम आएगा और इधर आएगा हैव बीन। ये ध्यान रखना है आपको, सिंगुलर के साथ इज हैज बीन, इधर आर हैव बीन। तो ये स्ट्रक्चर होता है। तो और भी देख सकते हैं आप, जैसे इंटरोगेटिव वगैरह देख लीजिए, वेयर आर यू लिविंग फॉर 5 ईयर्स, कहाँ सिंस लगाते हैं, कहाँ फोर लगाते हैं, वो सब उसमें क्लियर हो जाएगा टाइम एक्सप्रेशन में, जो मैंने आपको बताया हुआ है। वेयर आर यू लिविंग फॉर 5 ईयर्स, तो फॉर 5 ईयर्स क्या हो गया, टाइम एक्सप्रेशन हो गया। तो वेयर आर नहीं आएगा, इसके लिए आ जाएगा वेयर हैव यू बीन, वेयर हैव यू बीन लिविंग फॉर 5 ईयर्स। तो ये अंतर होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। सेम अगर मैं बोलूँ तो सेम यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ, नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है
वो आएगी पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस, ये आ गया यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस, और यहाँ पर मैं कर सकता हूँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट में तो काम चल रहा था, पास्ट में बस ये लिख दीजिए एक्शन वॉज गोइंग ऑन, इनके काम चल रहा था, बस हेल्पिंग अब चेंज होनी है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा था आई वॉज टीचिंग, बस इसमें क्या होगा सिंगुलर के साथ तो यहाँ पर वॉज आ जाएगा और प्लूरल के साथ यहाँ पर वर आ जाएगा, और आई के साथ दोनों जगह यहाँ पर वॉज ही आना है, चाहे इधर सिंगुलर है तो वॉज आएगा और इधर हेड बीन आ जाएगा, आई के साथ तो हेड बीन ही आता है, इधर हेड बीन आ जाएगा, और यहाँ पर तो सभी के साथ हेड बीन आता है पास्ट में, तो चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो सभी के साथ पास्ट में तो हेड बीन ही आना है। तो देख लेंगे किस तरह इसी को ही पास्ट में कन्वर्ट कर लो ज्यादा एग्जांपल ना लेते हुए। जैसे मैं लिख सकता हूं यहां पर लाइक, आप देख सकते हैं एक दो एग्जांपल मैं लिखूं, अगर यहां पे जैसे बारिश पड़ रही है तो इट इज रेनिंग, अगर मैं बोलूं बारिश पड़ रही थी तो इट वॉज रेनिंग आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है बारिश पड़ रही थी। लेकिन अगर हम इसमें टाइम एक्सप्रेशन ऐड कर देता हूं लाइक इट वॉज रेनिंग फॉर 5 आवर्स, यानी कि 5 घंटे से बारिश पड़ रही थी, तो अब वोज नहीं आएगा, यहां पर आ जाएगा इट हैड बीन रेनिंग फॉर 5 आवर्स। जैसे बिफोर हियर आई वॉज लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 आवर्स, यानी कि यहां से पहले मैं बोल सकता हूं मैं दिल्ली में 2 साल से रह रहा था, तो आई वॉज लिविंग इन दिल्ली फॉर, या सिंस लिख दो सिंस 2009, सिंस 2009 क्या होता है टाइम एक्सप्रेशन होता है, बस वोज काट के यहाँ पे क्या कर देना हैड बीन कर देना है आपको। ज़्यादा अंतर नहीं है पास्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में और पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, बस कुछ नहीं करना, इधर तो आपको हैड बीन लगा देना है बाकी सब सेम रहेगा, इधर इज एम आर का वोज वर लगा देना है बाकी सब सेम ही रहेगा, ये अंतर होता है। सेम यही पैटर्न में बोलूं तो फ्यूचर में भी हो सकता है फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें भी यही है, इनमें क्या होगा एक्शन विल बी गोइंग ऑन यानी कि कार्य चल रहा होगा, इनका स्ट्रक्चर देख लीजिए, इसमें सब्जेक्ट आएगा, इधर विल आएगा या इधर शैल आएगा, यहाँ बी आ जाएगा फिर वर्ब में आईएनजी आ जाएगी, इधर सब्जेक्ट आएगा या विल आएगा या फिर शैल आएगा फिर हैव आएगा इधर फिर बीन फिर वर्ब आईएनजी फिर ऑब्जेक्ट फिर वही सिंस और फोर जो भी है सिंस और फोर के बाद टाइम, सिंस और फोर के बाद टाइम, बस यही है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए आई, इसमें क्या होता है आई और वी के साथ तो शैल आता है और अदर्स जितने भी हैं सभी के साथ इसमें क्या आता है विल आता है। जैसे आई शैल बी गोइंग टू मुंबई टुमोरो, कल मैं मुंबई जा रहा हूँगा, और इधर देख लीजिए लाइक ही विल बी मीटिंग मी, वो मुझसे मिल रहा होगा एट 5 PM टुडे, आज वो 5 बजे मुझसे मिल रहा होगा। और अगर टाइम एक्सप्रेशन वाला देखना है तो आप देख सकते हैं आई शैल हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से आपको पढ़ा रहा हूँगा, टुमारो लिख सकते हैं TO टुमारो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, आई शैल हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 आवर्स टुमारो, कल मैं आपको 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँगा। तो ये अंतर होता है दोनों में, ये अंतर है कंटिन्यूअस में तीनों के और तीनों के परफेक्ट कंटिन्यूअस में। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बहुत ही आसान सी कैटेगरी है। फिलहाल मैंने टेंस का एक 3 दिन में ख़त्म होता है, 3 क्लास होती है हमारी टेंस की, जो 3 क्लास में हम टेंस पूरा कर देते हैं, आज कल और परसों, 3 दिन में आपका पूरा हो जाएगा। तो जुड़े रहिए इसी तरह हमारे साथ,
कोई क्वेश्चन क्वेरी हो काइंडली राइट इन द कमेंट बॉक्स, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो, एंड अगर लाइव क्लास ज्वाइन करना है, हमारी लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर पर कॉल कीजिए इस पर और लाइव क्लास आपकी स्टार्ट की अपने स्टार्ट कीजिए। सो ये हमारा पार्ट था तीनों के कंटिन्यूस और तीनों के परफेक्ट का, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। कोई क्वेश्चन करिए हो काइंडली राइट इन द कमेंट बॉक्स। और हाँ, जो मैंने दो वीडियोस आपको बताई हैं, एक तो ऑब्जेक्ट को जज करने वाली और टाइम एक्सप्रेशन जज करने वाली, जैसे ही मैंने जहाँ आपको बताया है कि वीडियो देख लेना, इस क्लास को छोड़ के अगर कोशिश करो कि आप वो वीडियो देख लें या फिर पहले भी वो वीडियो देख लें, तभी आपको चीज़ें समझ आ पाएंगी टाइम एक्सप्रेशन पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है। सी सून, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।